Hello guys, good evening. Myself Vinod Kumar Yadav. I welcome all of you in my online classes of medical surgical nursing. In medical surgical nursing, we are discussing about the cardiovascular system. कार्डियो सिस्टम अपना कंप्लीट हो चुका है. वेस्कुलर सिस्टम के बारे में अपन डिस्कशन कर रहे थे. तो जैसे कि आपको सामने दिख रहा है आपका आज का टॉपिक एरोटिक एनोरिज्म. एरोटा जो कि अपनी बॉडी की वो वेसल्स होती हैं जो कि प्योर ब्लड कैरी करती हैं. प्योर ब्लड को कैरी करने वाली एरोटिक या आर्टरी जिनको बोला जाता है. तो अगर उनके एन्यूरिज्म बन रहा है तो एन्यूरिज्म क्या होता है आपने कभी सुना हो देखा हो. तो एन्यूरिज्म वो होता है जिसके अंदर क्या होता है आर्टरी के अंदर कोई एबनॉर्मल डायलेशन या ओवर ग्रोथ हो जाती है. या कोई ओवर ग्रोथ तो नहीं बोल सकते इसको, उसका डायलेशन हो जाए या फिर वो थोड़ी सी डायलेट हो जाए जिसकी वजह से क्या होता है ब्लड पूलिंग स्टार्ट हो जाता है और ब्लड का फ्लो इंटरप्ट हो जाता है. जैसे आपको इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं जैसे सेक्युलर हो सकता है, फ्यूशिफॉर्म हो सकता है. तो कई बार तो क्या होता है आर्टरी की के अंदर ऐसी स्ट्रक्चर या ऐसा डायलेशन हो जाता है या कई बार आर्टरी दोनों तरफ से डायलेट हो जाती है तो इसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती है. अब सबसे पहली बात कि आर्टरी का एन्यूरिज्म हो रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा आर्टेरियल सप्लाई या ब्लड का प्रेशर है वो उस एरिया में कम हो जाएगा. उसके आगे के जो एरियाज हैं उनके अंदर प्रेशर कम हो जाएगा तो ब्लड की सप्लाई इंटरप्ट हो सकती है. अब ऐसा होता क्यों है, क्यों आर्टेरियल एन्यूरिज्म हो सकता है? तो ये क्या होता है, कोई ब्लड वेसल्स होती है ना, तो ब्लड वेसल्स में किसी भी डिफॉर्मिटी कोई भी पॉजिटिव फैक्टर की वजह से जो कोई ना कोई एरिया या कोई वाल जो होती है वो वीक हो जाती है कोई वाल. तो जब उस वीक वॉल पे प्रेशर पड़ता है तो वो डायलेट होना स्टार्ट हो जाती है. उस पर जैसे जैसे इसके अंदर मस्कुलर लेयर होती है जैसे आपको पता है, तो मस्कुलर लेयर स्ट्रेच हो जाती है. स्ट्रेच होगी तो उसका थोड़ा सा ओवर ग्रोथ या उसका ओवर डायलेशन होना स्टार्ट हो जाता है. तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, एरोटिक एनोरिज्म. मतलब कहीं पे अगर जो वेसल्स हैं या आर्टरीज, नॉट वेसल्स स्पेशली आर्टरीज में अगर कहीं पे वॉल वीक हो जाती है तो उस वीक वॉल के पे जैसे जैसे ब्लड का प्रेशर पड़ता है उसका आउटवर्ड डायलेशन होना स्टार्ट हो जाता है. मे बी एक साइड से भी हो सकता है या दोनों से, ये डिपेंड करेगा आर्टरी की वॉल पे कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, जो ब्लड प्रेशर है उसको झेल पा रही है या नहीं झेल पा रही है. तो अगर ये इसको प्रेशर को बियर नहीं कर पाएगी या नहीं झेल पाएगी तो ये बाहर की तरफ डायलेट होना स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाता है और इसी कंडीशन को किस नाम से जाता है, एरोटिक एनोरिज्म. अब आर्टेरियल वॉल वीक कैसे हो सकती है, कोई कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हो या कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम हो, तो किसी भी वजह से अगर आर्टेरियल वॉल वीक हो जाती है और उसके साथ साथ कुछ रिस्क फैक्टर जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज मेलाइटिस है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, तो ये सब मिलके क्या करते हैं उसके प्रेशर को और बढ़ा देते हैं. और जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में इसको डायलेशन होने पे और ज़्यादा इफेक्ट होता है, ये डायलेट और ज़्यादा होने लग जाती है. तो उस कंडीशन में जो ब्लड का फ्लो है वो इंटरप्ट हो सकता है और उसकी वजह से जो आगे के ऑर्गन्स हैं या जो एन्यूरिज्म्स के आगे के ऑर्गन्स हैं उनकी ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो सकती है और वहाँ पे अदर सिम्टम्स कोज हो सकते हैं. तो एन्यूरिज्म की बात करें तो एन्यूरिज्म इज ए लोकलाइज्ड सैक और डायलेशन. एक लोकलाइज्ड सैक या डायलेशन, या तो सैक बन जाए अभी शेकनुमा स्ट्रक्चर बन जाए या फिर डायलेशन हो जाए, तो ये दोनों कंडीशंस उसके अंदर हो सकती हैं. फॉर्म्ड एट ए वीक पॉइंट इन द वॉल ऑफ एरोटा एंड आर्टरी. एरोटा में या आर्टरीज के अंदर किसी वीक पॉइंट पे, कहीं पे वॉल जहाँ पे वीक है, मान लो इस जगह से वीक थी, यहाँ पे वीक थी आर्टरी, तो उस वीकनेस की वजह से इसका प्रोट्रूजन स्टार्ट हो जाएगा, ये यहाँ से बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि इस पर प्रेशर पड़ेगा. जैसे जैसे इस पर प्रेशर पड़ेगा ये थोड़ा सा आउटवर्ड इसका डायलेशन हो जाएगा या स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाएगी. तो इस स्ट्रेचिंग की वजह से यहाँ पे जो है या तो शेकनुमा स्ट्रक्चर बन जाएगी और अगर दोनों साइड से वीक है तो, या फिर डायलेशन हो जाएगा इसका जिसकी वजह से इससे आगे का जो पोर्शन होगा उसमें ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो सकती है. नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एरोटिक एनोरिज्म में इन्वॉल्व द एरोटिक आर्च, थोरेसिक एरोटा, एबडोमिनल एरोटा
एंड समटाइम्स इन सेरेब्रल आर्टरी। तो इन कौन से पार्ट्स को अफेक्ट करती है? सबसे पहले तो एओर्टिक आर्च, जो एओर्टा का आर्च होता है, जो आप सबने देखा होगा कि जो वेंट्रिकल होता है वहाँ से एओर्टा, असेंडिंग एओर्टा और फिर उसके बाद डिसेंडिंग एओर्टा। तो जो ये आर्च बनता है ना, इस आर्च में यहाँ पे प्रोट्रूजन या डायलेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये प्रोन होता है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर भी ज़्यादा होता है, तो इस वजह से प्रेशर अगर ज़्यादा होगा और कहीं पे अगर इस यहाँ की आर्टरी वीक हो गई किसी रीजन की वजह से, तो यहाँ पे डायलेशन हो सकता है और उस डायलेशन की वजह से यहाँ पे जो है एनुरिज्म फॉर्मेशन हो सकता है। तो अगर यहाँ पे एनुरिज्म बन जाएगा तो उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा? एओर्टिक आर्च एन्यूरिज्म। और अगर यही कंडीशन आगे जाके थोरेसिक कैविटी में, थोरेसिक आर्टरीज के अंदर हो गई तो थोरेसिक एन्यूरिज्म, और नीचे जाके एब्डोमिनल में हो गई तो एब्डोमिनल एन्यूरिज्म, और अगर यही सेरेब्रल आर्टरीज में हो गई तो सेरेब्रल एन्यूरिज्म। अब अगर बात करें तो ये एन्यूरिज्म कहाँ पे ज़्यादा होने के चांसेज होते हैं? एक तो मोस्ट कॉमनली जहाँ पे आर्टरी बैंड हो रही है, या बैंड हो रही है तो वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है। और एक पॉइंट होता है जहाँ पे आर्टरी का बाइफर्केशन हो रहा होता है। बाइफर्केशन मतलब जहाँ पे आर्टरी दो पार्ट्स में डिवाइड, कोई एक आर्टरी आगे जाके दो आर्टरीज में डिवाइड हो रही थी, वो एरिया भी एक प्रोन एरिया होता है क्योंकि वहाँ की जो वॉल्स होती है वो भी थोड़ी वीक होती है और प्रेशर भी ज़्यादा लगता है, तो उस एरिया में भी एनुरिज्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो या तो कहीं पे आर्टरी बैंड हो रही हो, या पे वहाँ कहीं पे आर्टरीज का बाइफर्केशन हो रहा होता है, वो पॉइंट्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रोन होते हैं किसके लिए? एनुरिज्म के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट एन्यूरिज्म आर फाउंड इन एब्डोमिनल एरोटा बिलो द लेवल ऑफ रीनल आर्टरीज। एब्डोमिनल एरोटा में बिलो द लेवल ऑफ रीनल आर्टरीज होते हैं, वो सबसे ज़्यादा एन्यूरिज्म होते हैं, वो वहाँ पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बात करें, 3/4 ऑफ ट्रू एओर्टिक एन्यूरिज्म्स अकर्स इन द एब्डोमिनल एरोटा। जो ट्रू एओर्टिक एन्यूरिज्म्स होते हैं या ट्रू और फॉल्स दो तरह के होते हैं इसमें एन्यूरिज्म। एक तो ट्रू एन्यूरिज्म मतलब वहाँ पे कोई ना कोई डायलेशन हो रहा है या ब्लड फ्लो इंटरप्ट हो रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है वो वहाँ पे फॉर्मेशन तो हो रहा है, सैक फॉर्मेशन तो हो रहा है, लेकिन वो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो इंटरप्ट हो। जैसे ये है, इसके अंदर ब्लड का बहुत कम इन्वॉल्वमेंट है और ये ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, तो ब्लड का फ्लो कंटिन्यूसली बना रहेगा, जबकि यहाँ पे ब्लड पहले यहाँ जाएगा फिर इधर से, तो इसका प्रेशर भी आगे की साइड कम हो जाएगा और इंटरप्शन हो सकता है। तो ये ट्रू एन्यूरिज्म होता है और ये फॉल्स एन्यूरिज्म होता है। इस तरह से इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जो ट्रू एन्यूरिज्म्स होते हैं उनके 3/4 जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? अकर्स इन द एब्डोमिनल एरोटा एंड 1/4 इन द थोरेसिक एरोटा। यानी हर चार एन्यूरिज्म्स में से एक होता है वो थोरेसिक में होता है और तीन एब्डोमिनल एरोटा में पाए जाते हैं। मतलब सबसे मोस्ट कॉमन जो एरिया है वो कौन सा है? एब्डोमिनल एरोटा बिलो द रीनल आर्टरीज। नेक्स्ट पॉइंट, पोपलीटियल आर्टरी एन्यूरिज्म रैंक थर्ड इन द फ्रिक्वेंसी। जो पोपलीटियल आर्टरी होती है वहाँ पे भी एन्यूरिज्म हो सकता है क्योंकि वहाँ पे भी बाइफर्केशन होता है, तो वो एरियाज भी प्रोन होते हैं, तो उन एरियाज में भी हो सकता है। जो पोपलीटियल आर्टरी एन्यूरिज्म होता है वो थर्ड रैंक पे आता है फ्रिक्वेंसी के अंदर। मतलब सबसे ज़्यादा होते हैं एब्डोमिनल, फिर उसके बाद होते हैं थोरेसिक एंड देन पोपलीटियल आर्टरी एन्यूरिज्म्स। नेक्स्ट पॉइंट, पेशेंट्स में हैव एन्यूरिज्म इन वन मोर देन वन लोकेशन। ऐसा नहीं है कि कहीं एक ही जगह हो रहा है, एक से ज़्यादा एन्यूरिज्म एक साथ पाए जा सकते हैं। अब इसके कोजेज की बात करें तो सबसे पहला है कंजेनाइटल अफेक्ट्स। कंजेनाइटल कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, उनमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो वीक होती हैं, या फिर ब्लड वेसल्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स का डायलेशन हो जाता है, या कुछ इफेक्ट की वजह से ब्लड वॉल्स वीक हो जाती है। तो अगर ब्लड वेसल्स वीक होंगी और अगर उस पेशेंट को फिर वहाँ पे हाइपरटेंशन जैसी कंडीशंस अकर हो रही हैं तो उस पेशेंट में एन्यूरिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, मैकेनिकल या हीमोडायनामिक। पोस्ट स्टेनोइटिक या आर्टेरियोवेनस फिस्टुला। पोस्ट स्टेनोइटिक स्टेनोसिस जैसे होता है स्टेनोसिस, तो स्टेनोसिस के बाद या स्टेनोसिस भी एक कंडीशन अकर कर सकता है क्योंकि इसकी वजह से आर्टेरियल स्टेसिस हो जाता है। स्टेसिस जहाँ पे होता है वहाँ पे आर्टरी हार्ड हो जाती है, और हार्ड हो जाती है तो उसकी इलास्टिसिटी जब कम हो जाएगी तो ये क्या होती है, प्रेशर को उतना बियर नहीं कर पाती है और उसमें डायलेशन होने के चांसेस हो सकते हैं।
या फिर आर्टीरियो वेनोस फिस्टुला फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो भी आर्टरी की वॉल को वीक कर देता है, और वहाँ पे जैसे ही अगर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा तो वहाँ पे प्रोट्रूजन हो जाएगा या बाहर की साइड डायलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रोमेटिक या किसी पेनिट्रेटिंग आर्टीरियल इंजरी या ब्लंट आर्टीरियल इंजरी डायरेक्ट अगर आर्टरी को अफेक्ट कर रही है तो वो भी हो सकता है। इन्फ्लामेटरी या नॉन इन्फेक्शियस इन्फ्लामेशन, जैसे आर्थराइटिस होता है, टकायाशु डिजीज है, जॉइंट सेल आर्थराइटिस है, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटस है। ये डिजीज़ क्या होती है, आर्टीरियल वॉल्स को अफेक्ट करती है, आर्टरी का इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होता है इन्फेक्शन के बिना किसी इन्फेक्शन के अंदर कोजेज की वजह से अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है आर्टरीज का, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, नॉन इन्फेक्शियस इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस, आर्टरी का इन्फ्लामेशन आर्थराइटिस। नेक्स्ट, इन्फेक्शियस किसी इन्फेक्शन की वजह से, जैसे बैक्टीरियल फंगल या स्पायरोकिटल इन्फेक्शन हो तो वो भी आर्टीरियल वो इन्फ्लामेशन होगा तो आर्टीरियल वॉल वीक हो सकती है। प्रेगनेंसी रिलेटेड डिजनरेशन, नॉन स्पेसिफिकली कोई ऐसा स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, लेकिन क्या होता है, हाइपरटेंशन तो होता है, जैसे आपको पता है PIH होता है, तो अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को PIH है और उसकी वॉल कहीं पे वीक है तो वो एनोरिज्म फॉर्मेशन होने के लिए एक कंडीशन बन जाती है। एंड लास्ट वन इज एनास्थमोसिस, पोस्ट आर्टीरियोटमी एंड ग्राफ्ट एनोरिज्म, जब अपन कहीं पे किसी आर्टरी का कोई सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं तो वहाँ पे एनास्थमोसिस या आर्टरीज को काट के वापस जोड़ दें। एनास्थमोसिस क्या होता है, किन्हीं दो पार्ट्स को काट के और वापस जब जोड़ा जाता है तो उनके बीच कनेक्शन बनता है, तो ये कनेक्शन थोड़ा वीक होता है और इस कनेक्शन के ऊपर एनोरिज्म होने के चांसेज बढ़ जाते हैं, जैसे कि आर्टेरियल वॉल फेलियर हो सकता है, सूचर या जो सूचरिंग करी थी वो फेल हो जाए, या ग्राफ्ट फेलियर हो जाए, तो उस कंडीशन में भी एनोरिज्म बन सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसी कंडीशन जो आर्टेरियल वॉल्स हैं उनको वीक कर रही है, तो जब आर्टेरियल वॉल वीक होगी और इसके साथ साथ कुछ रिस्क फैक्टर्स काम करेंगे, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, स्मोकिंग है, मेल जेंडर एंड फैमिली हिस्ट्री, ये रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि वीक जो वॉल्स होती हैं आर्टरीज की उनमें अगर इनका किसी का कनेक्शन या प्लस हो जाता है तो वो एनोरिज्म कोज करने के चांसेस को बढ़ा देता है। तो ये कुछ कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स है जो दोनों मिलके एनोरिज्म कोज कर सकते हैं। इसके बाद बात करें क्लासिफिकेशन की, तो ये मेनली जैसे मैंने अभी बताया ट्रू और फॉल्स दो कैटेगरीज में डिवाइड की जाती हैं। ट्रू एनोरिज्म इज वन इन विच द वॉल ऑफ आर्टरी फॉर्म्स द एनोरिज्म विथ एटलीस्ट वन वैसे लेयर स्टिल इंटर, मतलब कि जो वॉल की आर्टरीज हैं वो कर रही हैं या उनके अंदर वॉल की आर्टरीज जैसे वॉल की जो लेयर आर्टरी की वॉल होती है उसमें कुछ लेयर्स होती हैं, इंटीमा मीडिया एडवेंटिशिया, तो उनमें से कोई ना कोई एक लेयर तो इंटैक्ट है लेकिन जो अदर लेयर्स हैं उनके अंदर स्पेस बन रहा है और उनके अंदर जाके फ्लूड या जो ब्लड है वो स्टोर हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन को बोलते हैं ट्रू एनोरिज्म। ये मेनली दो तरह से हो सकती है, फ्यूशिफॉर्म एनोरिज्म एंड सर्कुलर एनोरिज्म। फ्यूशिफॉर्म इज सर्कमफ्रेंशियल रिलेटिवली यूनिफॉर्म इन शेप, मतलब दोनों तरफ यूनिलेटरल होगी शेप के अंदर की दोनों साइड से होगा, कोई ऐसा नहीं है कि एक साइड की आर्टरी ही डायलेट कर रही है, जबकि सर्कुलर इसका जस्ट अपोजिट होता है, उसके अंदर क्या होता है एक साइड की आर्टरी, ये होता है सर्कुलर, और अगर दोनों साइड हो रहा है तो उसको क्या बोला जाता है, फ्यूशिफॉर्म एनोरिज्म। एंड लास्ट वन इज फॉल्स एनोरिज्म। फॉल्स एनोरिज्म क्या होता है, इट इज़ नॉट एन एनोरिज्म बट ए डिसरप्शन ऑफ ऑल लेयर्स ऑफ द आर्टीरियल वॉल रिजल्टिंग इन ब्लीडिंग दैट इज कंटेंड बाय सराउंडिंग स्ट्रक्चर, मतलब पूरी की पूरी आर्टीरियल वॉल ही चेंज या डायलेट प्रोट्रूज हो जाती है या बाहर की तरफ निकल जाती है, तो उस कंडीशन में किसी तरह का इंटरप्शन नहीं होगा, जबकि जो एनोरिज्म हो रहा है उसके अंदर एक वॉल इंटैक्ट है। ट्रू एनोरिज्म क्या होता है, एक वॉल तो इंटैक्ट है लेकिन जो आउटर लेयर्स हैं वो एनोरिज्म फॉर्मेशन कर रही हैं, तो इनके अंदर अगर ब्लड भरना चालू हो जाएगा तो यहाँ पे ब्लड पूलिंग स्टार्ट हो सकती है। तो ट्रू एनोरिज्म में एक वॉल हमेशा इंटैक्ट होती है और ब्लड फ्लो कंट्री, जबकि इसके अंदर जो पूरी की पूरी आर्टीरियल वॉल है वो प्रोट्रूज होती है। फॉल्स एनोरिज्म्स में रिजल्ट फ्रॉम ट्रोमा और इन्फेक्शन और अकर आफ्टर पेरिफेरल आर्टरी बाईपास सर्जरी एट द साइज ऑफ ग्राफ्ट ऑफ आर्टरी एनास्थमोसिस, जब CABG करते हैं तो जो ग्राफ्ट जहाँ से लिया जाता है उस एरिया में जो फॉल्स एनोरिज्म्स हैं उनके होने के चांसेज होते हैं। अब डायग्राम से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे टाइप्स होते हैं। सबसे पहले ये कि ये हेल्दी वेसल है, ये एक हेल्दी आर्टरी होती है,
हेल्दी आर्टरी है, जो कि नॉर्मल इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। लेकिन अब बात करें ट्रू एनोरिज्म की, ट्रू एनोरिज्म में पहला है सेक्युलर और दूसरा है फ्यूशिफॉर्म। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, ये बाहर की साइड निकल रहा है एक साइड, इसके अंदर दोनों साइड यूनिफॉर्म फॉर्मेशन, तो ये तो हो गया सेक्युलर, ये हो गया फ्यूशिफॉर्म। जबकि जो फॉल्स एनोरिज्म हो रहा है उसके अंदर देखो ज़्यादा जो पूरी की पूरी आर्टेरियल वॉल है वो डिसरप्ट हो रही है, और इसकी वजह से ज़्यादा जो ब्लड का इंटरप्शन हो इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसको फॉल्स एनोरिज्म, मतलब ये एनोरिज्म जैसा दिख रहा है लेकिन एनोरिज्म जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स शो नहीं करता है, केवल एज ए विजुअलाइजेशन में ये एनोरिज्म जैसे, ये सेक्युलर एनोरिज्म जैसा दिख रहा है, बट इन दोनों में बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो इस तरह से ये टाइप्स ऑफ एनोरिज्म होता है। इसके बाद बात करें जैसे अपन ने कहा था टाइप्स में, तो पहले थोरेसिक था, फिर एब्डोमिनल एरोटा था, तो वो कैसे होता है, ये देखो ये आर्चो पैरोटा जैसे ही नीचे आती है तो यहाँ पे होता है, उसको बोला जाता है थोरेसिक एरोटक एनोरिज्म। और जो ड्रीनल आर्टरी के नीचे होता है, ये वहाँ पे आपको दिख रहा है, ये होता है एब्डोमिनल एरोटिक एनोरिज्म। तो थोरेसिक कहाँ पे होता है, आर्चो पैरोटा के जस्ट नीचे, और एब्डोमिनल बिलो द रीनल आर्टरीज। अब क्योंकि लोकेशन अलग अलग है तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी अलग अलग आएंगे। थोरेसिक अगर एनोरिज्म होगा, एरोटा होगा, तो वो थोरेसिक कैविटी की जो ब्लड सप्लाई है उसको ज़्यादा इंटरप्ट करेगा, तो उसके सिम्टम्स ज़्यादा आएंगे, तो उससे रिलेटेड अलग अलग सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इससे आपको सिम्टम्स से भी एक आइडिया लग सकता है कि थोरेसिक एरोटिक एनोरिज्म है या एब्डोमिनल एरोटिक एनोरिज्म है। तो थोरेसिक कैविटी के अंदर जो एनोरिज्म होगा उसमें आर ऑफन ए सिम्टोमेटिक, ये मोस्ट कॉमनली ए सिम्टोमेटिक होता है। व्हेन सिम्टम्स आर प्रेजेंट द मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन इज डीप डिफ्यूज चेस्ट पेन दैट मेट एक्सटेंड दैट मे इट्स मे नॉट मेट इट्स मे एक्सटेंड टू द इंट्रास्कैपुलर एरिया। डिफ्यूजिव चेस्ट पेन मतलब ऐसे लगता है कि चारों तरफ दौड़ रहा है, ऐसा नहीं कि किसी अपन एक ड्रोकलाइज्ड एरिया बता सके कि हाँ इस जगह पे मेरे पेन हो रहा है। डिफ्यूज्ड होता है मतलब चारों तरफ फैला हुआ, तो डिफ्यूज्ड चेस्ट पेन होता है। और ये मे एक्सटेंड टू द इंटरस्कैपुलर, जो स्कैपुला होती है अपनी, वहाँ तक भी जा सकता है, जो इंटर दो नो स्कैपुला के बीच का जो एरिया है वहाँ पे अपने को फील हो सकता है बैक साइड में। नेक्स्ट एंजाइना हो सकती है फ्रॉम डिसरप्शन ऑफ ब्लड फ्लो टू द कोरोनरी आर्टरी, अगर कोरोनरी आर्टरीज डिसरप्शन हो रहा है तो या वहाँ पे जो ब्लड फ्लो इंटरप्ट हो सकता है कोरोनरी आर्टरीज का, और उसकी वजह से एंजाइना और MI जैसी कंडीशन आकर हो सकती है। नेक्स्ट हॉर्सनेस एज ए रिजल्ट ऑफ प्रेशर ऑन लेरिंजियल नर्व। अब क्या होता है, जो आर्चो पैरोटा होती है इसके नीचे से या क्या हो रहा होता है, फेरिंजियल नर्व जारी होती है, तो जब इसका प्रोट्रूजन होगा या डायलेशन होगा तो लेरिंजियल नर्व होती है उस पर प्रेशर पड़ सकता है, और उसकी वजह से हॉर्सनेस साउंड भी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट डिस्फेजिया, अगर ईसोफेगस पे प्रेशर पड़ेगा तो डिस्फेजिया हो सकता है, क्योंकि ईसोफेगस पे प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर की वजह से ईसोफेगस कंप्रेस हो सकती है। जैसे पहले मान लो ईसोफेगस का साइज इतना था और अब ये कंप्रेस होकर छोटी हो गई, तो आपको जो स्वेलोइंग है उसके अंदर डिफिकल्टी हो सकती है, जिसको डिस्फेजिया कहा जा सकता है। डिस्टेंडेड नेक वेंस, एडिमा ऑफ द हेड एंड आर्म्स ड्यू टू प्रेशर ऑन द सुपीरियर वेना केवा, अगर सुपीरियर वेना केवा के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है तो इसकी वजह से जो नेक वेंस है वो डिस्टेंडेड हो सकती हैं हेड में, और जो आर्म्स हैं जहाँ की वेनोस रिटर्न सुपीरियर वेना केवा के थ्रू आता है, वो वेनोस रिटर्न प्रॉपर नहीं हो पाएगा और उसकी वजह से वहाँ एडिमा बढ़ जाएगी। तो अगर थोरेसिक एरोटिक एनोरिज्म होगा तो आपको डिफ्यूजिव चेस्ट पेन, एंजाइना, MI, हॉर्सनेस, डिस्निया, एक्सटेंडेड नेक वेंस, एडिमा ऑफ द हेड एंड आर्म्स देखने को मिल सकता है। और अगर एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म होगा तो वहाँ पे अलग सिम्टम्स आएंगे। इट इज़ एसिम्प्टोमेटिक एंड फ्रिक्वेंटली डिटेक्टेड ऑन रूटीन फिजिकल एग्जामिनेशन और कोइंसिडेंटली व्हेन द पेशेंट इज एग्जामिन फॉर अनरिलेटेड प्रॉब्लम। तो इसमें क्या है? एक स्पेसिफिक थिंग ये है कि ये एसिम्प्टोमेटिक होती है मोस्ट कॉमन, और इसका पता भी नहीं चलता है। इसका पता तब चलता है जब आप किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हो, और जब आपका USG या X-ray किया जाता है तो उसमें वो है एनोरिज्म आपको शो होता है। तो ये मोस्ट कॉमनली ये सिम्टोमेटिक होता है, और इसके लिए किसी तरह की कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं आते हैं। बट इसका पता कैसे चलता है, जब आप किसी और टेस्ट के लिए जाते हो, जैसे आप USG के लिए गए तो आपको USG में ये फाइंडिंग मिल गई, या कोई X-ray करवाया उसमें मिल गई, कोई MRI, CT scan, IV pyelography करवाई, तो
एब्डोमिनल सर्जरी या किसी और सर्जरी के लिए या कोई और प्रोसीजर के लिए आपने कोई इन्वेस्टिगेशन करवाई, तो उस टाइम पे आपको ही इसका जो पता चला और आपने फिर देखा कि वहाँ पे एनुरिज्म हो सकता है। या फिर इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोट्रूजन है तो वहाँ पे आपको पाल्पेबल मास या पल्सेटाइल मास, पल्सेटाइल मास मतलब कोई ऐसा मास फॉर्मेशन हो रहा है जिसके अंदर आपको पल्स फील हो सकती है। पल्स जैसे जैसे हार्ट बीट करता है, पल्स रेट जो होती है वो अपने को किसी पल्सेटाइल मास, क्योंकि है तो एरोटा अब लेकिन उसका प्रोट्रूजन हो चुका है, जैसे ये है तो आर्टरी लेकिन इसका प्रोट्रूजन हो चुका है, तो ये अपने को एक मास की तरह दिखेगा लेकिन है तो एरोटा। अब इसके अंदर जैसे जैसे ब्लड पल्स ब्लड आएगा, जैसे जैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करेगा, पल्स भी फील होगी, तो यहाँ पे पल्सेटाइल मास आपको फील हो सकता है। नेक्स्ट, ए मिमिक पेन एसोसिएटेड विथ एब्डोमिनल और बैक डिसऑर्डर्स। मिमिक मतलब कि हो किसी और की वजह से हो रहा है और आपको ऐसे लग नहीं हो रहा है एनुरिज्म की वजह से और आपको लगता है कि नहीं कोई और दिक्कत है, एब्डोमिनल पेन है या बैक डिसऑर्डर की वजह से पेन हो रहा है। नेक्स्ट, कंप्रेशन ऑफ नियर बाई ऑर्गन शोज बैक पेन, नैरो कंप्रेशन, एपिगेस्टिक डिस्कम्फर्ट एंड अल्टर्ड बाउल एलिमिनेशन। अब इस अगर इसकी वजह से कोई कंप्रेशन हो रहा हो, जैसे बैक पेन हो सकता है, कोई नर्व कंप्रेशन हो गया हो, तो एपिगेस्टिक डिस्कम्फर्ट हो सकता है, कोई मास फॉर्मेशन हो गया हो, कोलोन को प्रेशराइज करने लग गया हो, तो एपिगेस्टिक डिस्कम्फर्ट हो सकता है या अल्टर्ड बाउल मूवमेंट, मान लो कोलोन का कोई पार्ट कंप्रेस हो गया तो बाउल मूवमेंट डिस्टर्ब हो सकती है और एपिगेस्टिक डिस्कम्फर्ट भी आपको हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, एनरिज्म स्पॉन्टेनियसली एम्बोलाइज प्लाग कॉजिंग ब्लू टो सिंड्रोम। अगर एम्बोलिज्म हो जाए, एनरिज्म की वजह से कोई एम्बोलाई या प्लाक फॉर्मेशन हो जाए और वो उठ के किसी और जगह चला जाए, या एम्बोलिज्म क्या होता है, अगर ब्लड के अंदर फ्लो कर रहा है कोई प्लाक या एयर, तो एयर होगी तो एयर एम्बोलिज्म, या फिर थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, अगर कोई थ्रोम्बस है तो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो सकता है, तो उसकी वजह से ब्लू टो सिंड्रोम हो सकते हैं, जिसमें कि आपको मॉटलिंग ऑफ द फीट एंड टोज एंड प्रेजेंस ऑफ ए पाल्पेबल पेडल पल्स जैसे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। मतलब एनुरिज्म की वजह से अगर एम्बोलस फॉर्मेशन हो गया है तो वो ब्लू टो सिंड्रोम कोज कर सकता है, जिसमें पैची मॉटलिंग ऑफ द फीट और टोज होंगे उनमें पैची मॉटलिंग जैसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, और प्रेजेंस ऑफ पाल्पेबल पेडल पल्स, और जो पेडल पल्स होगी वो भी वहाँ पे आपको पालपेट करके देख सकते हो, उसकी प्रेजेंस भी आपको दिखेगी। तो ये कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं, जो कि थोरेसिक अगर एरोटिक एनुरिज्म होगा तो अलग होगा, एब्डोमिनल होगा, और इसके अलावा सेरेब्रल होता है, जो कि आपने नर्वस सिस्टम में अगले साल पढ़ेंगे सेरेब्रल एनुरिज्म, तो वहाँ पे सेरेब्रल से रिलेटेड, अगर पोपलीटियल एनुरिज्म है तो पोपलीटियल से रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे, लेकिन ये बहुत रेयर होते हैं पोपलीटियल, तो सेरेब्रल एनुरिज्म फिर भी आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन पोपलीटियल बहुत रेयर होते हैं, तो इस कंडीशन के रिलेटेड सिम्टम्स मैं नहीं बता रहा हूँ। जो मोस्ट कॉमन है थोरेसिक एंड एब्डोमिनल, वही आज अपन डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में कैसे पता चलेगा, सबसे पहले तो मैंने बताया कि सिम्टोमेटिक होते हैं, और अगर आप कोई अन्य अदर इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहे थे तब आपको पता चल सकता है, या फिर कोई ऐसा सिम्टम स्पेसिफिक सिम्टम आपको अगर लग रहा है कि हाँ मे भी हो सकता है, तो आप उसके लिए स्टेंट फिजिकल एग्जामिनेशन तो करेंगे, चेस्ट एक्सरे करके देख सकते हैं, आपको एक्सरे के अंदर अगर आर्टरी का प्रोट्रूजन दिख सकता है तो, या फिर प्लेन एक्सरे ऑफ द एब्डोमेन करके देख सकते हैं, ECG टू रूल आउट MI और एंजाइना। अगर आपको MI और एंजाइना हो रहा है और उसका कोज आपको पता नहीं चल रहा है, तो ECG करके आप पता लगा सकते हो MI और एंजाइना है, तो उससे भी एक आइडिया हो सकता है कि मे बी अगर कोई अदर सिग्निफिकेंट फाइंडिंग नहीं आ रही है कि आपको पता नहीं चल रहा है कि किसी वजह से हो रहा, आपने एंजियोग्राफी कर ली, एंजियोग्राफी में सब क्लियर था, तो उस कंडीशन में आप फिर आगे फर्दर जैसे इकोकार्डियोग्राफी करके, USG करके, CT स्कैन करके और MRI करके देख सकते हो, उसमें आप कन्फर्मेटिव इवेल्यूशन कर सकते हो कि हाँ ये कोई एनुरिज्म है। अब बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में द गोल ऑफ मैनेजमेंट इज टू प्रिवेंट द एनुरिज्म फॉर रप्चरिंग। अब एनुरिज्म फॉर्मेशन हो रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम कोज नहीं करेगा, या मे बी ये सिम्टोमेटिक हो सकता है, और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है तो कुछ सिम्टम्स अराइज हो, लेकिन अगर ये रप्चर हो गया तो प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, तो टिश्यूज़ में अगर ब्लड चला गया तो टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो सकता है, तो उस कंडीशन को आपको अवॉइड करना या प्रिवेंट करना। तो आपका जो गोल ऑफ मैनेजमेंट होगा वो किस पे फोकस होगा, कि आपका जो एनुरिज्म है वो रप्चर
ना हो उसको प्रिवेंट करें रप्चर होने से बचाना। नेक्स्ट पॉइंट, ए केयरफुल रिव्यू ऑफ ऑल बॉडी सिस्टम्स इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई एनी कोएग्जिस्टिंग डिसऑर्डर्स स्पेशली टू द लंग्स हार्ट्स एंड किडनी, कि इसके साथ साथ कोई अदर इन्फेक्ट कोई और अदर कंडीशन तो प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि एनुरिज्म है और उस पर्सन को कोई अदर कंडीशन नहीं है तो एनुरिज्म के साथ लाइफ स्पेंड कर सकता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को एनुरिज्म के साथ मान लो MI, एंजाइना या अदर कोई डिजीज है तो मे बी वो एनुरिज्म उसके लिए डेंजरस हो सकता है, तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। आइदर अगर एनुरिज्म है और कोई अदर कंडीशन नहीं हो रही है पेशेंट को, तो आपको एनुरिज्म को ऐसे कैसे छोड़ देना, उसको किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं देना है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें, फॉर स्मॉल एनुरिज्म्स लेस देन 4 सेंटीमीटर से जो छोटे एनुरिज्म हो सकते हैं उनके लिए कंजर्वेटिव थेरेपीज इनिशिएटेड विथ मॉनिटरिंग एनुरिज्म एवरी 6 मंथ्स यूजिंग अल्ट्रासाउंड MRI CT स्कैन। मतलब आपको कोई केवल कंजर्वेटिव थेरेपी यूज करनी है कि आपको कोई सर्जरी या कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, बस कि आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना है कि उसकी प्रोग्रेस ज़्यादा बढ़ तो नहीं रही है और रप्चर होने के चांसेस तो नहीं है, तो उसकी कंटिन्यूसली एवरी 6 मंथ्स में मॉनिटरिंग करते रहना है। इफ एनुरिज्म साइज इज मोर देन 5.5 सेंटीमीटर और द इंक्रीज इन एनुरिज्म साइज मोर देन 0.5 सेंटीमीटर इन 6 मंथ, मतलब 5.5 सेंटीमीटर से तो बढ़ा है और हर 6 महीने में उसकी साइज में 0.5 का इंक्रीज आ रहा है, तो आपको उसको फिर रिपेयर्ड सर्जिकली रिपेयर करना पड़ेगा। क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ द एनुरिज्म CT स्कैन और MRI स्कैन एवरी 6 मंथ में आपको करते रहना। ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस टू कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि एक रिस्क फैक्टर हो सकता है जो कि उसकी को रप्चर होने को के चांसेस को बढ़ा सकता है, जो रिस्क फैक्टर है उनको भी अपने को ट्रीट करना है। तो अगर हाई ब्लड प्रेशर है किसी पेशेंट को तो उसको आप जो ब्लड प्रेशर मेडिकेशन है वो दे सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, रेस्ट्रिक्शन ऑफ सम फिजिकल एक्टिविटीज, हैवी लिफ्टिंग शुड बी अवॉइडेड ड्यू टू इंक्रीज्ड प्रेशर ऑफ द ऑन द एरोटा। तो हैवी लिफ्टिंग या हैवी एक्सरसाइज या जो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज आपको नहीं करना है, ताकि जिससे कि डिमांड ना बढ़े या उस पर प्रेशर ना पड़े एनुरिज्म पे, क्योंकि अगर डिमांड बढ़ेगी प्रेशर बढ़ेगा तो मे बी रप्चर हो सकता है। तो हैवी लिफ्टिंग या जो स्ट्रॉन्ग या फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं करनी है, तो इस तरह से आप उसको बिना किसी मैनेजमेंट के भी कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो उसका केवल और केवल एक ही मैनेजमेंट है, वो है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में कन्वेक्शनल सर्जिकल रिपेयर करते हैं, जिसमें इंसीजिंग द डिजीज सेगमेंट ऑफ द एरोटा, मतलब अगर एरोटा का कोई पार्ट है तो उसको अपन ने यहाँ से इंसाइज कर दिया और फिर इससे कंटिन्यूस ब्लड फ्लो चलता रहेगा, या फिर रिमूविंग इंट्राल्यूमिनल प्लाक और थ्रोम्बस, इसके साथ साथ कोई प्लाक या थ्रोम्बस बना हुआ है तो उसको और इसको साथ साथ हटा देंगे। इंसर्टिंग ए सिंथेटिक ग्राफ्ट, इसके अंदर कोई सिंथेटिक ग्राफ्ट अपन डाल दें ताकि इसके और प्रोट्रूजन को नहीं बढ़ा सके, क्योंकि वो जो ग्राफ्ट होगा या जो सिंथेटिक ग्राफ्ट है वो उसके प्रेशर को बियर कर लेगा और इसके और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस को कम कर देगा। एंड लास्ट वन इज सुचरिंग द नेटिव एओर्टिक वॉल अराउंड द ग्राफ्ट सो दैट इज विल एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव कवर। क्या करेंगे, जहाँ पे प्रोट्रूजन हो रखा है उसको सूचर कर देंगे ताकि ये आगे बढ़े ना और जिस पे प्रेशर ना पड़े और कंटिन्यूस ब्लड फ्लो मेंटेन रहे। अब थोरेसिक एंडोवेस्कुलर एओर्टिक रिपेयर जो होता है, थोरेसिक एरोटा जो आर्चो पैरोटा होता है उसके अंदर अगर एनुरिज्म हो रहा है, जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा है कि ये क्या है एनुरिज्म, यहाँ पे ब्लड वेसल्स जो है या जो आर्टरी है वो क्या हो रही है, डायलेट हो रही है। तो इस तरह के एनुरिज्म के लिए अपन एक ग्राफ्ट यूज करते हैं, वो ग्राफ्ट लगा के और इसको इसके अंदर छोड़ देते हैं ताकि जब ये ब्लड का प्रेशर है ये पूरा बियर कर लेगा, अब इस बाहर ब्लड नहीं जाएगा और इस ब्लड के प्रेशर की वजह से ये और बढ़ने के चांसेज या इसके रप्चर होने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। अभी ये ब्लड का फ्लो है या ब्लड का जो प्रेशर है वो पूरा का पूरा ये ग्राफ्ट ही सहन कर लेगा, जिसकी वजह से अब ये कंटिन्यूस ब्लड फ्लो भी बना रहेगा आपका और साथ में ब्लड का फ्लो भी कंटिन्यूसली बना रहेगा और इस पे प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर है जिसके अंदर क्या किया गया है, इसको काट के और उसमें अपन किसी तरह का, अब ये वो तो था उसके लिए शेकुलर के लिए जिसमें शेक फॉर्मेशन हो रहा था, अब अगर फुशीफॉर्म है जिसके अंदर दोनों साइड यूनिफॉर्म डायलेशन हो रखा, तो इसमें क्या करेंगे,
इसमें कट लगा के और बीच में ग्राफ्ट लगा देंगे और फिर इसको वापस से सूचर कर देंगे। तो इससे क्या होगा, अब वापस से इस पे प्रेशर नहीं पड़ेगा वॉल पे, इसका पूरा प्रेशर ये ग्राफ्ट सेंड कर लेगा और इसका वापस से डायलेशन नहीं होगा। तो इस तरह से जो सेक्युलर और इस तरह से जो फिशिफॉर्म एनोरिज्म होते हैं उनको ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट वन आता है एंडोवेस्कुलर स्टेंट ग्राफ्टिंग और एंडोवेस्कुलर एनोरिज्म रिपेयर। ये दोनों उसी के टाइप हैं एंडोवेस्कुलर के, जिसके अंदर क्या किया जाता है, इस तरह से जो ग्राफ्ट है उसको लगा दिया जाता है जो कि उसका जो प्रेशर है उसको बियर कर लेता है। अब अगर कोई बाइफर्केटिव जो आर्टरी है उसमें है तो उसके अंदर कैसे किया जाएगा, उसके अंदर ऊपर की साइड एक और नीचे की साइड बाइफर्केशन के साथ साथ जो है वो स्टेंट या ग्राफ्ट जो है वो लगाया जाएगा और उसको उस वहाँ पर छोड़ दिया जाएगा और वापस से या तो उसको जैसे मैंने बताया काट के लगा के और वापस सूचरिंग कर देंगे या फिर अंदर से ही डाल के डायरेक्टली उसको छोड़ देंगे, जिससे कि अब इस पर प्रेशर पड़ना बंद हो जाएगा। ये एक गाइड वायर होता है जिसकी हेल्प से अपन यहाँ पे स्टेंट्स को लगाते हैं। तो अगर सेक्युलर है तो उसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट एक ग्राफ्ट यूं लगाया और इसको ऐसे कैसे छोड़ देंगे, क्योंकि अब ये ब्लड फ्लो इस ग्राफ्ट पे ही जाएगा, ग्राफ्ट उसको बाहर नहीं जाने देगा। और अगर फ्यूशिफॉर्म है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, इसको यहाँ से काट के चौड़ा किया, फिर यहाँ पे एक ग्राफ्ट लगाया और फिर वापस से इसको सूचर कर दिया। और अगर बाइफर्केशन पे हो रहा है तो बाइफर्केशन पे अपन इस तरह से जो स्टेंट इस तरह से ग्राफ्ट यूज करके और उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो गाइस आज का टॉपिक अपना था एओर्टिक एनोरिज्म, जिसमें क्या होता है एओर्टा की वाल होती है वो वीक हो जाती है, उस वीक वॉल पे जब भी प्रेशर बढ़ता है तो वो वॉल क्या प्रोट्रूजन हो जाता है उसका, या बाहर की तरफ उसका डायलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो वाल होती है वो डायलेट होके एक शेक नुमा स्ट्रक्चर बना लेते हैं या तो फिर दोनों साइड से डायलेट हो जाती है, जिसको फिशिफॉर्म कहा जाता है। तो ये दो तरह की हो सकती है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू जिसमें एक्चुअली जो है वो आर्टरी का डायलेशन हो रहा है और उसकी वजह से ब्लड फ्लो इंटरप्ट हो रहा है, और दूसरा उसकी तरह रिजेंबल कर रहा है बट उसकी वजह से आर्टेरियल फ्लो में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है। तो ट्रू दो तरह का हो सकता है, पहला है सेक्युलर और दूसरा है फिशिफॉर्म। तो ये दो तरह का हो सकता है। ट्रीटमेंट के लिए अपन केवल मैनेजमेंट कर सकते हैं, वो प्रिवेंटिव मैनेजमेंट, और अगर कोई मैनेजमेंट है इसका तो वो केवल सर्जिकल मैनेजमेंट है, जिसके अंदर अपन सेक्युलर के अंदर तो डायरेक्ट ग्राफ्ट लगा के और छोड़ देते हैं, और जो फिशिफॉर्म होता है इसके अंदर कट लगा के फिर बीच में ग्राफ्ट डालते हैं और फिर वापस सूचरिंग कर देते हैं, और जो बाइफर्केटिव होता है या जहाँ पे बाइफर्केशन हो रहा है आर्टरी का वहाँ पे बाइफर्केटिव ग्राफ्ट यूज किया जाता है जो कि दोनों तरफ से सपोर्ट करता है। तो इस तरह से इसका मैनेजमेंट किया जाता है। तो थैंक यू गाइस, आज का टॉपिक समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन माय यूट्यूब चैनल। अपने दोस्तों को भी बताएं, सबके साथ शेयर करें, सबको बताएं, और जो भी स्टूडेंट कॉलेज के हैं वो सभी देखें इस वीडियो को, क्योंकि अगर एग्ज़ाम्स के अंदर इनमें से कोई टॉपिक आता है, मैं रिवीजन भी करवाऊंगा कॉलेज में, तो उसी कंडीशन में होगा जिस कंडीशन में आप सबके पास नोट्स होंगे। तो एक बार इस वीडियोज को देखो, नोट्स बनाओ अच्छे से, ताकि अपने को रिवीजन करने में ईजी रहेगा। और वैसे मेरे को लगता है ठीक ठाक समझ में आ जाता है, तो समझने की कोशिश भी करो ताकि रिवीजन अपने को ज़्यादा ना करना पड़े और अपन अच्छे से इसको पढ़ सकें। थैंक यू गाइस।